क्योंकि उसने पहले भी मॉक शूट कर चुका था, वो तो वो काफी कॉन्फिडेंट था कि ये परफेक्ट है, ये बहुत ही फ्रेंडली था ये। तुम बताओ। हम तीनों ही बहुत एक्साइटेड हैं और हम तीनों की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन आई गेस अभी ऑन स्क्रीन से ज्यादा अच्छी हो गई है। हम लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं और अच्छे अच्छे इंटरव्यूज दे रहे हैं अच्छे अच्छे दोस्त के साथ। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड नर्वस भी हूँ, सो या हाँ इवन आई, बिकॉज ये कैरेक्टर जो है ना बहुत ही अलग है, चटपटा कैरेक्टर जो अभी तक मैंने किया है, सो आई एम एक्साइटेड टू वॉच माई सेल्फ ऑन टीवी कि मैं क्या कर रही हूँ उसपे और कैसी लग रही हूँ, लोगों को कैसे पसंद आने वाला है। तन्वी, मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमें हमने आपको हमेशा ऐसा एक सीधी सादी बहू या एक नो डिसेंट गर्ल के किरदार में हमेशा देखा है, जो कि आजकल इस बार प्ले कर रही है और आप कम्प्लीटली अपोजिट किरदार में नजर आ रही हो, तो कितना चैलेंजिंग था ये किरदार के लिए और कितना अलग था ये किरदार निभाने के लिए? बहुत ही ज्यादा, मतलब बिल्कुल टोटली डिफरेंट, क्योंकि आप एक चीज करते हो तो आप ना यूज टू हो जाते हो और आप मतलब आप इजीली कर पाते हो, पर ये जो है ये रोल जो है वो बिल्कुल ही अलग है, बबली कैरेक्टर है जो कभी मैंने नहीं किया, तो इसको करने के लिए एज एन एक्टर मुझे बहुत बहुत ही खुशी है कि मुझे ये रोल मिला, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है अपनी एक्टिंग स्किल्स को, सो आई एम वेरी हैप्पी और बड़ा मजा आ रहा है पता है ये रोल करने में, मुझे रोना नहीं है। आई विल नॉट क्राई इन द शो, तो मुझे उस चीज में बड़ा मजा आ रहा है कि कहां मैं ग्लिस ले लेके इतना रो रो के परेशान, इसमें मुझे रोना नहीं है, इसमें मुझे मस्ती करनी है और इतना मजेदार कैरेक्टर है कि आपको भी मजा आएगा नीति से मिलके। सो टाइम तो नहीं मिला प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि बहुत ही क्विक क्विक ऐसे 10 दिन के अंदर सब कुछ हो गया, बट डेफिनेटली हम ऑन सेट जाके जो भी प्रिपरेशन होती हैं और सीन अच्छे से कितनी बार रिहर्स करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग अपने कैरेक्टर्स पे और हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं जो हमें हमारी कैरेक्टर को पॉलिश वही कर रहे हैं धीरे धीरे। तो रियल लाइफ तन्वी अब ऑन स्क्रीन भी देखने को मिलेगी ना, जैसे तन्वी है। हाँ तुम्हें पता है, क्योंकि जब ये सेट पे आते थे तो मैं जाते रो रही होती थी और उसके बाद जब कट होता था एंड ये इंटरव्यू लेने आते थे तो मैं ऐसी हाँ, तो वो उनका ऐसा लगता था कि कितना वो ना चेंज हो जाता है, स्विच हो जाता था जस्ट इन अ सेकंड। स्क्रीन है, हमें कैरेक्टर्स भी वैसे मिले हैं और आजकल रियल लाइफ में भी ऐसी काफी रिजर्व्ड है, तो आजकल अपने किरदार में क्या बताना चाहते हैं? परिणीत और आंशल काफी हद तक सेम है, बिकॉज दोनों ही थोड़ा कम बोलती, दोनों को सिंपल रहना ज्यादा पसंद है, बट एक चीज है जो थोड़ी कॉन्ट्रास्ट है कि आंचल अपने ड्रीम्स को लेके पैशनेट है, उसे बहुत कुछ बनना है, बट परिणीत ऐसी नहीं है, वो उसके बड़े बड़े ख्वाहिशें नहीं है, उसके काफी छोटे छोटे सपने हैं, उसकी छोटी सी दुनिया है, वो उसमें ही रहना चाहती है, तो या पर काफी प्यारी है मुझे उसको, मतलब प्ले करने में काफी अच्छा लगता है। पर आंचल जैसे कि हम जानते हैं कि आपके जो पहले का किरदार है, अभी भी ऑडियंस बॉन्दिता के रूप में ही आपको देखना पसंद करती है हमेशा, आपके प्रीवियस शोज जो थे वही किरदार में देखना पसंद करती है, तो कितना टफ हो जाता है एक नए किरदार के साथ आना और सभी ऑडियंस को ये किरदार में एक्सेप्ट करने के लिए टाइम देना? पहली बात तो जब आप एक किरदार प्ले करते हो तो आप उस किरदार से कुछ सीखते हो, आप अपना कुछ उस किरदार को देते हो, एंड मैं ऐसी हूँ, मैं अपना 100% देती हूँ, मैं बहुत इन्वेस्ट हो जाती हूँ एक शो में, एक कैरेक्टर में, तो जब बैरिस्टर बन हुआ था तो ऑब्वियसली ऐसा था कि अरे मैं तो इतनी ज्यादा कनेक्टेड हूँ वंदिता से, ये वो ये वो, बट देन ये हो गया इमोशनल साइड। प्रैक्टिकली आप सोचो तो हर एक शो का एक एंड होता है, एक शो की एक जर्नी होती है, ऑब्वियसली अभी डिसअपॉइंटमेंट था बट यू हैव टू मूव ऑन, तो अभी न्यू शो न्यू कैरेक्टर, I'm looking forward to Parineet and Pariniti. पर दो दो बेस्ट फ्रेंड के बीच में राजीव फंस गया है, तो राजीव क्या बोलना चाहोगे? राजीव फर्स्ट ऑफ ऑल फंसा नहीं है, राजीव को बहुत मजा आ रहा है। जोक्स अपार्ट, राजीव सही में फंस गया है, बिकॉज राजीव का जो कैरेक्टर है वो बड़ा ही सिंपल, स्वीट, इनोसेंट और जेंटलमैन टाइप का लड़का है एंड अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड है, बहुत डाउन टू अर्थ लड़का है एंड बचपन से ही
राजीव के फादर की डेथ हो गई थी तो उनकी मॉम ने उन्हें बड़ा किया है. सो एक बड़ी इमोशनल जर्नी है साथ में जो मेरा कैरेक्टर है राजीव के साथ. एंड अभी उसका ऐसा नहीं था कि उसको लाइफ में दो शादियां करनी है या फिर दो लड़कियों के प्यार में पड़ना है. बट लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं कि हालात की मार जैसे बोलते हैं ना, दो पैर में दो बोट्स में आप पैर रख देते हो. सो वो वाली सिचुएशन हो गई है मेरे साथ लाइफ में. तो ये एक रोलर कोस्टर राइड रहेगी और देखेंगे हम लोग क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे हमारी स्टोरी में. तो कौन आपका प्यार होगा और कौन आपकी जिम्मेदारी होगी? दोनों ही प्यार है. उसके लिए आपको देखना पड़ेगा परिणीति. जी 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 जी. तन्वी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये किरदार मिला तो किरदार में कई सारे शेड्स होंगे, ये तो नो एज अ प्रोमो से ही पता चल रहा है. जब दोस्त दो बने, दो दोस्त जब एक नो सोतन वी कैन से बन जाएंगी या एक नो शेयरिंग अ सेम हस्बैंड बिकम अ डिफिकल्ट, तो ये किरदार कैसे ग्रोन अप होगा एज अ कैरेक्टर? क्या दो दोस्त में दरार आ जाएगी ये शो में या ये शो में आगे के प्लॉट्स में? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है. और एक्चुअली होता भी ये है कि हम दोनों को नहीं पता कि हम दोनों एक ही लड़के से शादी कर रहे हैं. वो क्या होगा मेरे कैरेक्टर का या हम तीनों के कैरेक्टर्स कैसे इवॉल्व होंगे वो तो राइटर्स बताएंगे, हमें भी नहीं पता. नहीं पता तो मैंने यही तो बोला, मुझे नहीं पता. चिल्ला के स्कीम इतना तो प्रोमो से भी क्लियर होता है ये. हां ना, शुरुआत क्या कि उनको पता नहीं था कि एक सेम लड़के शादी कैसे. चुप हो जाओ तुम तो, मैं उनको फिर से ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन कंटिन्यू. ओके आजकल जब आपके कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए तो कैरेक्टर में कितना ग्रोथ होने वाला है शो में, कितना चेंजेस आएगा? नो जब जिम्मेदारी और प्यार दोनों ही एक साथ होगा तो कितने सारे चेंजेस शेड्स नजर आने वाले हैं आजकल के इस शो में? काफ़ी शेड्स नज़र आएंगे. मैं आगे का तो नहीं बता सकती खैर, बट जितना हमने अभी तक शूट किया है और जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी शो से वो यही है कि एक फ्रेश पंजाब की स्टोरी है दो सहेलियों की. एंड आपको ये केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, काफ़ी पसंद आएगी आपको, बिकॉज हम रियल हो जाते हैं, हमें इतना मज़ा आता है, मज़ा आता है. तो आई होप वो ऑडियंस को अच्छा लगे. And how was your bond, your first reaction? Like different shades. Yeah, 50 shades. Different shades. Yeah. Yeah, आप headline मत बना लेना. Okay. आप तीनों का first reaction क्या था जब आप तीनों एक दूसरे से मिले थे set पे first time? Like wow, तुम लॉक हो गए. कुछ नहीं था. अंकुर से मिले. अंकुर से अंकुर के साथ मैंने मॉक शूट किया था. अंकुर काफी क्योंकि उसने पहले भी मॉक शूट कर चुका था, वो तो काफी कॉन्फिडेंट था, बहुत काफी. और मैं वहां पे एकदम नर्वस थी बिकॉज मैं तो हमेशा ही डरी हुई रहती हूँ हर एक समय. एंड देन वहां पे बैठा, हम लाइंस रिहर्स कर रहे थे, कहता उसने मास्क पहना हुआ था, कहता यू शुड वेयर मास्क. क्या करना है क्या नहीं, और मैं वहाँ पे देख रहा अच्छा अच्छा ऐसे करना है वैसे करना है ऐसे करना है, तो ऐसा टाइप्स का था. एंड तन्वी के साथ तो पहले बार में एकदम बातें शुरू हो गई बिकॉज उसकी वाइब ही ऐसी. यस एंड वी कैन कनेक्ट दैट. हाँ आंचल के साथ तो ऐसा था कि आंचल के मम्मा भी आते हैं और आंटी इतने स्वीट है, मुझे तो मतलब पहले मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई फिर मेरी आज से फ्रेंडशिप. आंटी जैसे मुझे बता रहे थे ना कि ये बात नहीं करती, इतना बुरा मत मानना अगर ये तुम्हारा रिस्पांस ना दे या हंसे ना ऐसे ऐसे. तो मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा, पर ये डे वन से मेरे साथ हंस भी रही है, मेरे साथ बात भी कर रही है. सो आई फेल्ट वाह यार मैं तो कमाल हूँ. और तन्वी के साथ कोई बात ना करे ऐसा हो नहीं सकता है. मेरे साथ बात ना करे है ना. हाँ. किसी से बात ना करो ऐसा नहीं हो सही. और मतलब उसने भी इतने अच्छे से रिस्पांस दिया और इसकी स्माइल इतनी इन्फेक्शियस है ना, मैं क्या बताऊँ. मुझे प्यार हो गया. मैं इसको हमेशा बोलती हूँ प्लीज काला टीका लगा के रखा कर. ये बेस्ट फ्रेंड वाली है ना परिणीति. हाँ.
अब अंकुर के बारे में बताया जाए तो उस दिन हमारा मॉक शूट था और मैं वेट कर रही थी क्योंकि परी के मॉक शूट हो रहे थे पहले, और मैं वेट ही कर रही थी कब होगा। एक तो आपको वैसे डर होता है मॉक शूट में क्योंकि 3-4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको मतलब प्रेशर तो होता है कि अच्छा परफॉर्म करना है। तो हो नहीं रहा है, तो ये परी के साथ और ये मॉक शूट देख के आ गया, और उसके बाद उसने मुझे बोला कि तुम सिलेक्टेड हो यार, तो मतलब इसने नया एक्टिंग देखी ना कुछ ऐसे ही पहले तो से, ओ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कितना पॉजिटिव है ये। मैं मॉक शूट कर रहा था बाकी लड़कियों के साथ, तो मुझे समझ में आ गया था कि मेकर्स को क्या चाहिए कैरेक्टर से, हम लोग मिले थे बट कैरेक्टर तो तुम्हारा वही था ना, बात करने से पता चल जाता। अब ये भी जब आई थी इनके बात करने से ही यू गेट टू नो कि हाँ कुछ है, वो स्पार्क है जो कैरेक्टर नीडेड है, तो वो मुझे दोनों से पहले ही वाइब आ गई थी कि हाँ कि ये परफेक्ट है। ये बहुत ही फ्रेंडली था, ये बहुत ही यू नो जैसे होता है ना कि एज अ गुड पर्सन ही वाज बूस्टिंग माय कॉन्फिडेंस और ऐसा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। दो लड़कियां संभालना आसान नहीं है, साथ में चलती है। Okay, so finally any message for the audience who are eagerly waiting to see you guys on a screen? Please, ye show ko dekhein, ye show ko aapka dher sara pyar de, and we have been working really hard and hum ek new story aapko darshane ki koshish kar rahe hain. So please watch Pariniti, aage ki lines. Friday raat 10 baje sirf. 14 February se. Thank you so much guys and happy Valentine's Day in advance. Thank you, same to you. Bye.